अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सीमा अशरफी, सीमाज लजीज फूड किचन में एक बार फिर से आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हैदराबादी बैगन का सालन। ये हैदराबादी जो बैगन का सालन है, यहाँ पर नागपुर में तो मेरे हाथ का बहुत पसंद किया जाता है, उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं उसमें लगने वाले सारे सामान जो कि मैं आपको बता दूँ। मैंने लिया है 1/2 kg बैगन, ये पर्पल वाले है। इसको मैं इस तरीके से कट लगा के रखा हूँ, 4 साइड कट लगा कर, और मैं आपको आपके लिए एक मैंने रखा है बैगन, मैं आपको कट लगा कर बताती हूँ। पहले आप सामान देख लीजिए। देखिए मैंने प्याज लिया है 3 बड़ी साइज़ की, मैं 6 लोगों के लिए बना रही हूँ, 3 बड़ी साइज़ की मैंने प्याज लिया है। 1 टी स्पून लहसुन लिया है कटा हुआ, अदरक लिया है 1 टी स्पून, सेंग दाना लिया है मूँगफली के दाने 1 टी स्पून, खोपरा लिया है कटा हुआ, अगर आपके पास किसा हुआ है तो आप किसा हुआ ले सकते हैं 1 टी स्पून, मैंने कटा हुआ लिया है 1 टी स्पून, इमली लिया है 1 टी स्पून जिसको हमें भिगो कर रखना है तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ, कड़ी पत्ता लिया है 1 छोटी कटोरी, नमक टेस्ट के हिसाब से, समार लिया है टेस्ट के लिए, आपको अगर इससे ज़्यादा पसंद है तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, कलौंजी लिया है मैंने तड़का देने के लिए जिसे कलौंजी भी कहा जाता है, प्याज के दाने भी कहा जाता है और मंगरेला भी कहा जाता है, लाल मिर्ची लिया है मैंने 1 टी स्पून, और तिल्ली लिया है सिसमे जो कहते हैं वो मैंने 1/2 टी स्पून, ऑयल लिया है मैंने 1 बड़ी कटोरी फुल। देखिए 1 बड़ी कटोरी मैंने ऑयल लिया है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं, बताती हूँ मैं इसको आगे का तरीका। चलिए मैं आपको इसका मसाला तैयार करना बताती हूँ, जो हमने प्याज कट करके रखा था, लहसुन अदरक और सारी सूखी चीज़ें जो रखा था वो मैं आपको बताती हूँ। हमने लिया था 1 बड़ी कटोरी ऑयल, तो उस ऑयल में से 1 बड़ा चम्मच ऑयल हमें बाहर निकालना है। अब इसे हम डालना है कढ़ाई में जिसमें हम अपने मसाले फ्राई करेंगे, और बाकी का ऑयल हमें ग्रेवी के लिए बचा कर रखना है। तो देखिए तेल गरम हो रहा है हमारा, तेल गरम होते ही हमें ये जो हमने लिया था कटा हुआ नारियल ये हमने डाला, सेंग दाने जो मूंगफली के दाने हैं ये मैंने लिया, ये डाला। देखिए इस तरीके से जो है गोल्डन फ्राई हो गया है नारियल और सेंग दाने। अब हमें तिल डालना है इसमें, तिल फ्राई होते ही तिल उड़ने लगता है तो फौरन हमने डालना है प्याज, कटा हुआ अदरक और लहसुन। अब हमें इन्हें जलाना नहीं है, लाइट गोल्डन फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा लाइट गोल्डन होना चाहिए। तो लाइट गोल्डन इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सी में चिकना पेस्ट बना लिए, ठीक है। तो देखिए हमारी प्याज जो है, अदरक लहसुन और हमारे नारियल और सेंग दाने और तिल के साथ देखिए किस तरीके से फ्राई हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं बैगन किस तरीके से कट किया जाता है। देखिए इसको अभी मैंने एक साइड कट लगाया है, अभी क्रॉस करना है। देखिए इस तरीके से अच्छी तरह उसको चेक कर लीजिए अंदर, कभी कभी उसमें ना इल्ली निकल जाती है, तो आप बहुत ही इत्मीनान से बैगनों को चेक करके बनाइए। इस तरीके से मैंने काटा और ये सामने के ग्रीन जो है ना वो सारा कुछ निकाल लिया है, तो बैगन इस तरीके से हमें कट करना है। और मैंने देखिए इमली को भिगो कर रखा है, इमली को 1 टेबल स्पून पानी में 1 टीस्पून इमली को मैंने भिगो कर रखा है, इस तरीके से आप भी भिगा कर रखें। तो चलिए प्याज की तरफ, प्याज देखिए मैं इस तरीके से धीरे धीरे उसको गोल्डन फ्राई करना है, आपको स्पून घुमाकर जलने नहीं देना इसको, अगर ये जलेंगे तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तरीके से हल्के तरीके से प्याज को गोल्डन फ्राई करें। तो देखिए प्याज हमारी जो है अच्छी तरह फ्राई हो गई, हमने इसको जलाया नहीं, बस गोल्डन फ्राई किया है ताकि प्याज का सारा मॉइस्चर जो है अच्छी तरह सूख जाए, इसका पूरा मॉइस्चर सूख चुका है और मैं इसको ठंडा करके पीसने जा रही हूँ। तो दोस्तों देखिए तो मैंने जो है ना बैगन का मसाला, हमने कढ़ाई में
फ्राई किया था, फ्राई करने के बाद ठंडा करके मैंने उसका पेस्ट बना लिया है मिक्सी में। देखिए इस तरीके से इसका चिकना पेस्ट बन गया है। अब हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसको अभी साइड में रख दीजिए, इस पेस्ट को। ऑयल हमने लिया था एक बड़ी कटोरी, तो उसमें से एक बड़ा चम्मच मैंने लिया था प्याज को फ्राई करने के लिए। अब हम इसे लेंगे बैगन को फ्राई करने के लिए। तो चलिए, मैंने गैस ऑन किया है, ये सारा ऑयल मैंने डाला कढ़ाई में। तेल हमारा गरम हो चुका है, हमें बैगन को डालना है इसमें फ्राई करने के लिए। इस तरीके से हमें बैगन फ्राई करना है इसमें। सारे बैगन हमें निकाल लिया। इसमें अच्छी तरह बैगन को फ्राई करना है हमें, पूरा गल जाने तक। तो बैगन हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो देखिए इसको पूरा फ्राई करना है। हाँ तो दोस्तों देखिए, बैगन हमारे इस तरीके से फ्राई हो रहे हैं। और जब तक हमारे बैगन फ्राई हो रहे हैं, हम चाहेंगे कि साथ में गल भी जाए, अच्छी तरह अंदर से गल जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, इन बैगनों को ढक देना है 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट के लिए इसको ढक दे और बीच में इसको खोल के हमें देखना है जैसे इस तरीके से, फिर ढकना है। अगर नहीं गला है बैगन तो फिर से उसको 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ढका रहने दे। तो बैगन हमारे अब गल गए हैं। तो देखिए, हमने बैगन का जो है ना ढक्कन खोल के देखा है, बैगन हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं अच्छे तरीके से। देखिए बैगन का कलर देखिए, इस तरीके से गोल्डन फ्राई होंगे ये, देखिए। और अच्छी तरह बैगन पक चुका है। तो हमें इसे इस तेल से बाहर निकालना है और आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो इस तरीके से बहुत ही केयरफुली करिए, क्योंकि बैगन में काफ़ी मॉइस्चर भी होता है, तो कभी कभी वो अपने ऊपर उसका पानी भी छूट जाता है। तो सॉरी, तो देख हमें अब इसमें तड़का लगाना है। तो तड़का लगाने के लिए देखिए, मैंने इसमें लिया है 1/4 कलौंजी। प्याज का जो दाना होता है उसको काला नहीं करना है आपको, जैसे इसमें डालना है वैसे कड़ी पत्ता, और स्पीड से फौरन डालना है ये पिसा हुआ मसाला। तो मैंने देखिए ये डालो, ये कड़ी पत्ता डालो और ये मसाला डालो। मसाला पूरा इसमें डाल दीजिए धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से। ये देखिए मैंने इसमें सारा मसाला डाल दिया है। मसाला डालने के बाद हमें इसमें फौरन डालना है हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, और इसको अच्छी तरह भूनना है। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसलिए क्योंकि हमने पहले प्याज को जो है ना फ्राई करके पीसा था, प्याज का मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो चुका था, और इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे करना पड़ेगा हमें। तो इसको 5 से 10 मिनट चम्मच घुमाते रहिए, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें सेंग दाना और तिल जो था वो नीचे चिपक जाता है गंज में, कढ़ाई में, या नॉन स्टिक जो भी हो हमारा बर्तन, तो उसमें नीचे से तिल और सेंग दाना, खसखस वगैरह इस तरीके का जो भी पेस्ट होता है ना, नीचे चिपकता है। तो उसको कंटिन्यू घुमाते रहिए 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए दोस्तों, मसाला हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तेल देखिए किस तरीके से निकल के आ रहा है, देखिए ये ऑयल देखिए किस तरीके से निकल कर आ रहा है। इसमें कढ़ाई ने हमारे मसाले को छोड़ दिया है, ऑयल भी फूटने लग गया है। अब हमें इसमें ऐड करना है हमारे फ्राई किए हुए बैगन। देखिए मैंने ऐड करा इसमें फ्राई किए हुए बैगन। अब मैंने ऐड किया इसमें नमक, जो हमने 1/2 टीस्पून ले रखा था। इन बैगनों में मैंने नमक ऐड किया, हरा धनिया ऐड किया, थोड़ा सा मैं बचा के रखूँगी इसमें गार्निशिंग के लिए। अब हमने जो इमली भिगोया था पहले, मैंने आपको इमली बताया था, इमली का पल्प हमने बनाया है ये पतला सा। ये देखिए पानी है इमली का, 1 टीस्पून इमली था, उसको थोड़े से पानी में हमने भिगो के रखा था। हमारा ये सारा कुछ प्रोसीजर होते हुए इमली का पानी तैयार हो गया है ना, हमें भिगा के रखा, उसको पानी से मैंने निचोड़ के बाहर निकाल लिया इमली को। और देखिए पानी को उसमें हमने ऐड किया। अगर आपके यहाँ खट्टा पसंद नहीं करते, इमली का टेस्ट पसंद नहीं करते, तो आप नहीं डालिए। बट हैदराबादी बैगन में इमली का मतलब होना बहुत ज़रूरी है, इमली का फ्लेवर। तो बैगन हमारे पास इसको सिम पे 5 से 10 मिनट के लिए हमें पकने के लिए छोड़ना है, क्योंकि पेस्ट प्याज का भी पहले से अच्छी तरह पका हुआ था, बैगन भी अच्छी तरह से पके हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए सिम पे छोड़ दूँगी और फिर हम इसको सर्व करते हैं। इसको 10 मिनट के लिए रखने के पहले हमें छोटी कटोरी
पानी डालना है, इतना छोटी कटोरी पानी डाला है ताकि हम जब इसको 10 मिनट के लिए सिम स्लो गैस पे छोड़कर हटे तो ये हमारा मसाला और बैगन जले ना, इसलिए हमने एक छोटी कटोरी पानी डाल के इसको छोड़ दिया है। देखिए मैंने ढक दिया है 10 मिनट के लिए सिम पर, और 10 मिनट के बाद हम इसको सर्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए 10 मिनट के बाद हमारा बैगन का सालन तैयार है। बैगन बहुत अच्छे से गल चुके हैं और सालन अच्छे से बन चुका है। गार्निशिंग के लिए मैं ग्रीन जो हरा धनिया है ना इसको डालती हूँ, और देखिए ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही जल्दी बनता है। अब आप इसको जो है ना रोटी के साथ, परांठों के साथ, या फिर आप राइस के साथ, पूरी के साथ आप इसको खा सकते हो, जो कि बहुत टेस्टी होता है। बैगन का सालन जो है ये हमारी अम्मी की बनाई हुई डिश है जो कि मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं इसको हमेशा घर में बनाती हूँ और काफ़ी इसको लोग पसंद करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। चलिए दोस्तों अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए ओके, अब अगली रेसिपीज़ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।